नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। सिलसिला बाजारों का में आपका स्वागत है। बात करेंगे नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज की और जानेंगे कि किस कॉमोडिटी में क्या मुनाफा देखने को मिल रहा है और किस कॉमोडिटी में आगे आप कारोबार करके चल सकते हैं। और इन सब पे ज्यादा जानकारी के साथ मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया। शुरुआत करते हैं नॉन एग्री कॉमोडिटीज से। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं और वहीं दूसरी ओर घरेलू बाजार में भी सोने के भाव 5 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिले हैं। लेकिन आज सोना बता दें कि 50,394 पे ये कारोबार करता दिखा है और सोने में हल्की सी तेजी भी देखने को अभी मिल रही है। वहीं सिल्वर की बात करें तो ये 55,333 पर कारोबार करता दिखा है और इसमें गिरावट है। तो रूपा जी, आपको क्या लगता है कि जो सोने में आज जो तेजी देखने को मिली है, क्या ये तेजी आगे और बरकरार रहेगी और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? और बात करें चांदी की, तो क्या ये गिरावट और नीचे जाएगी? देखिए, अभी बाजार थोड़ा सा निचले स्तरों पर उठता हुआ जरूर दिखाई दिया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो इंटैक्ट है, बना रह सकता है मार्केट के अंदर। बाजार जो है अभी एक सीमित दायरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में 1680 तो ऊपर में $1720 की रेंज है। अगर इसको ब्रेक कर देते तो वापिस से थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दरअसल देखा जाए तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की जो का डर जो देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है युद्ध की या फिर मंदी की, तो सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है, इस बार हालात बदले हुए हैं क्योंकि डॉलर में लगातार तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर तेजी देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोने पर हमें दबाव देखने को मिला और सोना जो है अभी नीचे एक साल के निचले स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी बाजार जो है वो एक रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में 1680 तो ऊपर में $1720, जिसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें अपनी रणनीति बनानी हो वो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल खरीदारी इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं करनी चाहिए। आज बाजार जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। नीचे में 50,200 का स्तर तो ऊपर में 50,500 का स्तर बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। रूपा जी, अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से क्रूड ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रही थी और इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने भी विंडफॉल टैक्स भी हटा दिया कि जो तेज़ी है वो आई थी उसको कम किया जा सके। लेकिन आज क्रूड ऑयल में हल्की तेज़ी देखने को मिली है। बता दें कि क्रूड ऑयल 7,790 पे ये ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो क्रूड ऑयल में भी आज जो तेज़ी हल्की देखने को मिल रही है, क्या ये आगे और ऊपर जाएगी? देखिए, क्रूड में भी बाजार जो है वो काफी प्रिडिक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। डेली का अपडेट जो है उसके हिसाब से अभी बाजार में मूवमेंट फिलहाल देखने को मिल रही है। गिरावट के बाद एक बार फिर से कच्चा तेल भी संभलता हुआ दिखाई दिया आज इंट्राडे में, और अभी भी आप देखें तो $100 के नीचे बना हुआ है। देखिए, अभी जो है काफी स्थिति जो है वो असमंजस वाली दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से डॉलर के अंदर अदर करेंसीज के कंपैरिजन में तेजी देखने को मिल रही है, उसका असर फिलहाल कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और डिमांड को लेकर भी काफी आशंकाएं जताई जा रही है। तो अभी फिलहाल कच्चा तेल जो है जिस तरीके की महंगाई देखने को मिल रही है, जिस तरीके का सिनेरियो बनता नजर आ रहा है वर्ल्ड वाइड का, अगर हम स्थिति देखें तो फिलहाल के लिए डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आई है, जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से फिसला है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो डाउनसाइड में ही दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में आपको हो सकता है कि 7820 तक ऊपर जाता हुआ कच्चा तेल दिखाई दे, तो मुझे लगता है नीचे में 7760 to 7820 की रेंज बन सकती है। और वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $98 से $100 तक की तेजी आ सकती है। रूपा जी, अगर नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस पर नजर डालें तो ये लगभग 618 पर कारोबार करता दिखा है। नेचुरल गैस में गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो क्या नेचुरल गैस में आगे कुछ ऐसा रुझान देखने को मिल सकता है जिसमें पे तेजी मिले देखने को? देखिए, ऑलरेडी मार्केट करेक्शन के बाद फिर से तेज हुआ है और 600 के ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बिकवाली की तरफ बाजार जा सकता है। 580 तक नीचे गिरावट आ सकती है, तो ऊपर में 640 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे में इसमें बिकवाली करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बेस मेटल में कल हमने देखा था कि गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बेस मेटल में आज हल्की तेजी देखने को मिल रही है। कॉपर की बात करें तो 625 पर ट्रेड करता दिखा है, वहीं जिंक 274 पर ट्रेड करता दिखा है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बदलाव बेस मेटल में देखने को मिल रहा है, ये आगे भी बरकरार रहेगा?
देखिए अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मार्केट आता हुआ दिखाई दिया है, सभी नॉन एग्री कमोडिटीज में आप देखेंगे गिरावट के बाद आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है तो थोड़ा सा पोजीशनें संभलती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बेस मेटल के दाम जो है अभी थोड़ा सा सीमित दायरे में नजर आ सकते हैं, अभी प्रेशर बना रह सकता है। आगे चलकर इसका भी अगर आउटलुक देखें तो पॉजिटिव है, डिमांड जो है अगर चाइना की तरफ से पिकअप हो जाती है तो वापस से बाजार जो है वो तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के लिए बाजारों में डिमांड नहीं है, जिस वजह से हमने इसको ऊपर इस तरफ से चलते हुए देखा था। और कॉपर भी अभी भी जो रेंज दिखाई दे रही है नीचे में 600 तो ऊपर में 640 तक की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर बात करें जिंक की तो जिंक में भी नीचे में 268 से 260 का स्तर है और ऊपर 280 तक का लेवल फिलहाल मैक्सिमम अपसाइड यहां तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। रूपा जी अगर ओवरऑल इंट्राडे की बात करें नॉन एग्री कमोडिटीज में तो कौन सी कमोडिटीज ऐसी है जिसमें आगे निवेश करके चला जा सकता है? देखिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए तो आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से आज कच्चे तेल में खरीदारी की जा सकती है और अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, निचले स्तरों पर सोने और चांदी में खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। रूपा जी मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये तो इस हफ्ते की बात ही है, अगले हफ्ते आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कमोडिटी ऐसी हो सकती है जिसमें आगे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए अगर अगले हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रेशर बाजारों में बना रह सकता है। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी आप कच्चे तेल में लेके चल सकते हैं, $100 के ऊपर निकलता है तो वहां पर एक बार बिकवाली की रणनीति बनाई जा सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है कि ऊपर में कच्चा तेल जो है मैक्सिमम तेजी $106-$108 तक ही पकड़ सकता है, वहां से सेलिंग का कॉल बनाया जा सकता है $112 की जो है एसएल लेकर। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अगले हफ्ते के लिए कच्चे तेल में बिकवाली करके चला जा सकता है। रूपा जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एग्री कॉमोडिटीज पर।